बूंदी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें पानी ऐड करके एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। ये बैटर बनाने में मुझे 3/4 कप पानी लगा है, साथ ही इसमें मैंने 1 पिंच सोडा डाला है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हम झारा यूज़ करते हैं उसी से मैं बूंदी बना रही हूँ। जो मैंने बैटर बनाया था उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, तो 2 में मैंने कलर ऐड कर दिया, एक में रेड और एक में ग्रीन। इसी तरीके से मैंने तीनों कलर की बूंदी को बना लिया। आप चाहें तो 1 कलर के लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे राजस्थान में 3 कलर की बूंदी के लड्डू बनते हैं वैसे लड्डू बनाए हैं, तो हमारी 3 कलर की बूंदी बन के रेडी है। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जितना बेसन लिया था उतनी ही चीनी ली है और उतना ही पानी डाला है, यानी 1 कप चीनी और 1 कप पानी। साथ ही इसमें मैंने 1/4 टीस्पून येल्लो कलर डाला है और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। अब हम इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बना लेंगे, हमें तार नहीं बनाना है। और जब चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी तो उसके अंदर हम बूंदी मिला देंगे और बूंदी मिलाने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक के चाशनी में पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको फिर से चेक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो बूंदी है उसने काफ़ी हद तक चाशनी को पी लिया है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और उसको ढक के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम बूंदी को चेक करेंगे, देखिए बूंदी ने पूरी चाशनी को पी लिया है। अब हम इसके अंदर मगज के बीज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके फिर हम लड्डू बांध देंगे। तो रेडी है हमारे यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बूंदी के लड्डू। लड्डुओं को मैंने गुलाब की पत्तियों से गार्निश किया है। तो देखिए हमारे लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी से इन लड्डुओं को अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट करें कैसे बने। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।